baby. Got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. We make it. अस्सलामुअलैकुम। सेम प्लेस, दूसरी बाइक है ये। हमें आज यहाँ काफ़ी ऐसे बाइक मिल गई तो हमने सोचा एक ही दिन में सारे रिव्यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है। एक तो मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और सनलाइट भी है काफ़ी। यहाँ पे लोग आए हुए भी हैं संडे, और काफ़ी जो कॉन्टैक्ट से बाइक्स हमें मिल गई हैं, तो हमने कहा कि एक ही गो में कर लेते हैं रिव्यू। तो अब ये जो बाइक है, ये होंडा CBR 1000 है, और ये इसका कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू है, और इसके बारे में भी बहुत डिटेल बताएंगे। 1000 cc है ये जी। अब मैं बुलाऊंगा उनको जिनकी ये बाइक है, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने कब ली, कितने की ली। तो बुलाते हैं अदनान को बुलाते हैं। अदनान घबराना नहीं है, मुझे लग रहा है आपका हाथ जो है ना शेक हो रहे हैं। नहीं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा अदनान, पहले तो ये बताएं कि आपने ये बाइक कब ली, और ये भी बता दिया, प्राइस भी बता दिया, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। रिसेंटली मैंने ये बाइक ली है, तकरीबन मुझे लास्ट वीक हो गया। अच्छा, इससे पहले मेरे पास R1 थी 1000, उसके बाद फिर मैंने अपग्रेड किया ये 1000 पे, CBR 1000। तो मुझे तकरीबन 8.5 लाख रुपए की पड़ी है, डायरेक्ट फ्रेश इम्पोर्ट है जापान से। अच्छा, आप थोड़ा सा आप ये भी बता दें कि बेसिकली R1 आपने छोड़ी तो R1 का कौन सा मॉडल था आपके पास? R1 का मेरे पास मॉडल था 2003 था। शिफ्ट होने की वजह? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए होंडा CBR मुझे वैसे ही पहले ऐसे पसंद थी, तो इस वजह से मैंने ये कंफर्टेबल, यानी क्या राइडिंग पोस्चर उसका अच्छा नहीं था या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल नहीं थे? किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल नहीं था, मतलब पीछे की वो जो स्किट मारती थी, वो पावर उसका शायद बहुत ज़्यादा है और वेट उसका बहुत कम है आई गेस। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि R1 से ये होंडा पे शिफ्ट हुए हैं, मे बी के वो मेरे ख्याल में उसका जो पावर रेशो, वो मैंने जो लास्ट वीडियो में भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट रेशो होता है उसका पावर का, जो हमने लास्ट वीडियो में की थी R1 की। तो R1 ऑब्वियसली मैं भी आपको बताया होगा कि मैं रिकमेंड नहीं करता, इट्स किलिंग मशीन।
तो आई थिंक आपने सही डिसीजन लिया। और कराची के लिहाज से मेरे ख्याल में अरवान आप चलाएंगे भी कहाँ? अच्छा थोड़ा सा ये भी बता दें कि आप सेंस अभी तो नए हैं, आपने ली तो कितने किलोमीटर्स थे इसके ऊपर? इसके 7000 माइल्स थी जब ये आई थी। 7000 माइल्स थी और ये डायरेक्ट इंपोर्ट आई है आपने यहाँ से? नहीं डायरेक्ट इंपोर्ट होकर? बिल्कुल डायरेक्ट जापान से इंपोर्ट करी मैंने। अच्छा ठीक है दोस्तों, 7000 माइल्स थे जी बिल्कुल। अच्छा इसमें कोई एड ऑन है या कोई मॉडिफिकेशन? ये स्टॉक है, ऑल स्टॉक है, ऑल स्टॉक है ये, ठीक है। अच्छा आप ऑब्वियसली, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जो मैं इसमें कवर करना चाहूँगा, ये हेलमेट, ये मुझे मैंने भी देखे हैं वैसे अली एक्सप्रेस पे और इधर उधर, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये हेलमेट आपने कहाँ से लिया? ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाई किया था चाइना से। अच्छा तो मुझे तकरीबन ये 15000 रुपये का पड़ गया था। 15000 का ड्यूटी व्यूटी लगी होगी इस पर, रोक लिया होगा कस्टम वालों ने, वो आगे लेटर आया होगा आपको आके छुड़वाने में? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने अली एक्सप्रेस वालों ने। अच्छा इसमें इसके जो व्यू नज़र आता है शॉट? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है बिल्कुल। अच्छा और सेफ्टी के हवाले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ मैं ये देख रहा हूँ अंदर, सिर्फ शो पीस नहीं है ये, इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं। चलें इसको बाद में भी देखेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा वैसे कुछ बेहतर होता मेरे ख्याल में, ये थीम इसकी थोड़ी सी मैच नहीं करी बाइक के साथ। एग्जैक्टली ये मैंने लिया था पहले ही R1 के लिए, क्योंकि R1 मेरी रेड थी। R1 तो अभी भी है लेकिन ये अब इस पर यूज़ कर रहा हूँ। चलें गुड है, अब नेक्स्ट आप लीजिएगा कोई और। चलें अच्छा जी, अब हम बुलाते हैं हमज़ा को। हमज़ा आप इस बाइक के टोटल स्पेक शुरू करें, फ्रॉम फ्रंट टू टेल, क्या क्या इसमें है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चल रहा है? पहले इसमें हेड टू टेल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है एग्रापोविक का। अच्छा उसके अलावा टेल टाइडी फेंडर लिमिटेड कहलाता है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें यहाँ पे एक टेल आती है नीचे जिस पे हमारी वो लाइसेंस प्लेट नंबर प्लेट जो होती है वो लगती है, उसकी जगह ये फेंडर लिमिटेड किट कहलाती है। ओके, ये लगी हुई जी वो अब खत्म कर देते हैं। उसके अलावा ये हॉट बॉडीज एग्जॉस्ट सिस्टम आ गया आपका, अंडर टेल एग्जॉस्ट सिस्टम है पूरा एग्रापोविक का हेड टू टेल। उसके अलावा इसमें केएनएन का वो है, केएनएन का एयर फिल्टर लगा हुआ है, ऑयल फिल्टर है केएनएन का। और ओवरऑल बाइक उसके अलावा स्टॉक है, आफ्टर मार्केट गोल्ड चेन लगी हुई है, ठीक है, गोल्ड चेन लगी हुई है आफ्टर मार्केट। वैसे गोल्ड की क्या रीजन है, कोई खास वजह होती है? स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं होती, बस लोग शो के लिए और लुक्स के लिए डालते हैं। अच्छा बाकी कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं होता, बस उसमें ये होता है कुछ इसमें अलग अलग चेन्स की स्पेसिफिकेशन आती हैं, ठीक है ना, कुछ रेस यूज़ की होती हैं, कुछ नॉर्मल यूजेज की होती हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन की होती हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें जो है नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की चेन डली है 530 ओरिंग, और पिछला जो है इसका 2+2 जो है स्पॉकेट डला हुआ है फार्म का, क्या 2 प्लस है इसमें एक्स्ट्रा है, आप एक्स्ट्रा है तो जो उससे बेसिकली स्टॉक साइज से 2 दंते कह लें लोग कहते हैं। लेकिन इससे ये नहीं होता कि इसमें बेसिकली इंजन पे लोड पड़ता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, बेसिकली वो शार्प उसके लिए करते हैं, एग्रेसिव एक्सेलरेशन ज्यादा शूट बढ़ जाता है। उसके अलावा ये आफ्टर मार्केट पैनल लगा हुआ है, और इसके अलावा इसके सस्पेंशन भी बता दें मेरे ख्याल में अपसाइड डाउन फोक्स हैं इसके, स्टॉक हैं और डिस्क भी इसकी स्टॉक हैं। ये 12 इंचेस हैं, है वही 3.3 mm, पीछे वही 8 इंच है सेम एज 954। ये उसी की एक तरह से जनरेशन बाइक है, और आफ्टर मार्केट रेस लीवर्स लगे हुए हैं, ब्रेम्बो के इसके मास्टर सिलेंडर्स लगे हुए हैं इसमें, ये रेसिंग लीवर्स कहलाते हैं ब्रेम्बो के, ये लीवर्स लगे हुए हैं। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बेसिकली प्रॉपर ये इसमें ब्रेम्बो का ये लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, ठीक है, और ये रेस यूज होता है बेसिकली। बैटलेक्स के टायर डले हुए हैं ब्रिजस्टोन के, और स्टेयरिंग डैम्पर दिया है इसमें। बेसिकली मोस्टली बाइक्स में अब ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्टेयरिंग डैम्पर होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, ताकि अगर आप लोग व्हीलिंग करते हैं तो व्हीली पे जब आप नीचे डाउन करते हैं तो हैंडल शेक नहीं करे बाइक, उसके लिए स्टेयरिंग डैम्पर दिए जाते हैं। अच्छा ये डैम्पर नॉर्मल डैम्पर से डिफरेंट है जो यहाँ चल रहा है? जी जी जी, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर है। अच्छा ये मोटराइज्ड है बेसिकली? जी जी, होंडा का अपना स्टॉक डैम्पर है, और इसके ऊपर ये आफ्टर मार्केट कवर लगा हुआ है, बेसिकली डैम्पर ये रहा, ठीक है डैम्पर ये रहा। अच्छा इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि एग्जैक्टली कितने ये सीसी? ये 998 सीसी होती है, 4 वाल्व पर सिलेंडर और 16 वाल्व ओवरऑल होते हैं इसमें, ऑयल अपना एयर कूल्ड होती है, एयर एंड वाटर कूल्ड होती है, लिक्विड कूल्ड, और उसमें पिस्टन की पोजीशन वही है अल्टरनेट पोजीशन थी जी जो अपने होती है, और अदरवाइज के अलावा ये आपकी 176 BHP की बाइक है, स्टील ब्रेडेड लाइंस भी लगी हुई है इसमें। स्टील ब्रेडेड, अच्छा स्टील ब्रेडेड होता है कि कटिंग ना हो जाए ताकि वो प्रॉपर कवर्ड होती हैं, शील्डेड होती हैं बेसिकली, ये वो फास्ट फ्लो के लिए भी होती हैं। अच्छा ताकि ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा क्रॉस होता है, ठीक है। CBR होंडा फायरब्लेड जो होती है इस, ये कह लें कि अलग ही टोटल अलग क्लास है, इनकी स्मूथनेस इन जैसी राइड जो है और किसी ब्रांड में नहीं है। होंडा की राइड एक अलग ही चीज़ है, बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मूथ होती हैं, वाइब्रेशन टाइप की चीज़ें नहीं होती, इंजन में कोई रफनेस नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट इंजन होता है। मोस्टली अगर आप न्यू मॉडल की बाइकों में देखें, आप निंजा 10R ले लें, जिक्सर ले लें, उनमें मोस्टली आवाज़ें आती हैं, हल्की सी इंजन में रफनेस होती है, स्टॉक नई बाइक में भी उनमें रफनेस ही होती है इंजन में, लेकिन होंडा का इंजन इतना स्मूथ होता है कि बस आप
एक कोई एक आवाज़ बाल जितनी भी नहीं इसमें नहीं आती। हाँ, ये वैसे मैंने सी बी आर में देखा कि सी बी आर शायद इतनी एग्रेसिव मशीन नहीं है, लेकिन ये बहुत निम्बल और बहुत सॉफ्ट मशीन है। ज़बरदस्त, चलिए, थैंक यू हमज़ा, थैंक यू, आपने भी टाइम दिया, आपकी बाइक है, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगेन मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, आई लव दिस बाइक, और इसके कलर देख के दिल चाहता है कि मेरे पास भी कैसी मोटरसाइकिल हो, और ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। अभी हम इसका एक आपको क्लोज शॉट भी दिखाते हैं, स्पेक्स भी मैं डाल दूँगा, और हमज़ा की डिटेल अगेन इस वीडियो में भी डाल दूँगा मैं। तो बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जितने भी मेरे साथ ये लोग हैं जो जिनकी बाइक्स हैं और जो तहाँ हैं, उनकी मैं कोशिश करूँगा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आप लोग अपने सवाल पूछें, उसमें हम आपके जवाब देंगे, और देखते रहें, आगे बहुत सारी बाइक्स भी हम दिखाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।